प्रदेश के शिक्षा मंत्री कंवर पाल गुर्जर ने कहा है कि सुपर 100 कोचिंग केंद्र अब हिसार और कुरुक्षेत्र में भी खोले जाएंगे। इन केंद्रों में आर्थिक रूप से कमजोर प्रतिभावान विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करवाई जाएगी। ये केंद्र पहले पंचकुला और रेवाड़ी में ही थे। उन्होंने बताया कि इन केंद्रों के 25 विद्यार्थियों ने IIT और 72 विद्यार्थियों ने नीट परीक्षा पास की है। वो हमने सरकारी स्कूलों में शुरू किया और पिछली बार अब की बार जो था जो भी जो पेपर हुए उनमें हमारे 25 बच्चे जो हैं वो IIT में सिलेक्ट हुए हैं और 72 बच्चे जो हैं हमारे उन्होंने नेट क्लियर किया। तो ये हमारी अच्छी उपलब्धि है। उसके साथ ही हमने दो जगह और, पहले हमारा रेवाड़ी में और पंचकुला में था, ये सुपर 100 का जो कोचिंग का सेंटर था वो दो जगह पे था। दो जगह अब की बार हमने और घोषणा करी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि हिसार क्षेत्र में और खोलने जा रहे हैं। यमुनानगर में पत्रकारों से बातचीत में शिक्षा मंत्री ने बताया कि MIS पोर्टल का कार्य 25 जून तक पूरा होगा। अभी स्कूलों में प्रवेश प्रक्रिया जारी है, इसी के बाद ही सरकारी स्कूलों में विद्यार्थियों की संख्या के बारे में सही स्थिति स्पष्ट होगी। शिक्षा मंत्री ने बताया कि कोरोना महामारी के समय में ऑनलाइन माध्यम से प्रदेश के विद्यार्थियों को शिक्षित करने का प्रयास काफी हद तक सफल रहा है। तो अभी हमारे एडमिशन चल भी रहे हैं और 25 तारीख तक ये कंप्लीट हो जाएगा। पिछली बार 2 लाख बच्चों ने ज़्यादा एडमिशन लिए हमारे, 2 लाख की स्ट्रेंथ हमारी बड़ी है पिछले साल और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस साल भी हमारा सारा ठीक रहेगा, कोई ऐसी बात नहीं है। तो 25 तारीख तक हम इसकी पूरी जानकारी आपको देंगे कि जिस प्रकार से ऑनलाइन शिक्षा देने का काम हमने किया और काफ़ी सफल हमारा रहा है और देश में जो सर्वेक्षण हुआ है उसमें भी जो पांच छह स्टेट जो प्रथम है उनमें से अभी एक स्टेट है जिन्होंने अच्छा दिया।